गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी एट होम विद योर पेरेंट्स। सो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज पेरीमीटर एंड एरिया। तो अब हम इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे चैप्टर के साथ विद एक्सरसाइज 18.1। तो आज हम 18.1 के 5 सम करेंगे, क्योंकि आपको अच्छी तरह से सम समझ में आने चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन करवाई थी और आई होप कि आपने उसके सारे फॉर्मूलाज भी लर्न कर लिए होंगे, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला पे ज़्यादा ध्यान देने के लिए बोला था। तो अब आपने इसकी एक्सरसाइज जो स्टार्ट करनी है, वो सारे फॉर्मूलाज इसमें एक्सरसाइज में यूज होंगे। सो लेट स्टार्ट विथ फर्स्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क आर 75 मीटर एंड 40 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड एरिया ऑफ द पार्क एंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन इट एज ₹20 पर मीटर स्क्वायर। तो हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, द लेंथ, हमें लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। किसी कोई रेक्टेंगुलर पार्क है, उसकी हमें लेंथ दी है। कितनी दी है, 75 मीटर हमें लेंथ दी है और 40 मीटर हमें ब्रेथ दी हुई है। ठीक, तो उसके बाद उन्होंने क्या पूछा कि इसका हमने रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, हमने कोस्ट फाइंड करनी है। अगर हमने इस पूरे रेक्टेंगुलर पार्क में हमने ग्रास लगवानी है, तो अगर हम ये क्या है रेक्टेंगुलर पार्क है, अगर हमने 1 मीटर स्क्वायर एरिया, 1 मीटर स्क्वायर मीन्स जिसकी लेंथ भी 1 मीटर हो और ब्रेथ भी 1 मीटर हो, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में अगर हम ग्रास लगा रहे, तो उसकी जो अमाउंट है वो ₹20 आ रही है, ₹20 लग रही है इतनी जगह पे, इतने एरिया पे ग्रास लगाने के लिए। अगर हमने पूरे पार्क में अगर हमने ग्रास लगवानी, तो उसके कितने पैसे लगेंगे। तो इजी हमें पता चल गया, अगर हमने इतने छोटे से मतलब 1 मीटर स्क्वायर के एरिया के लिए अगर हम ग्रास लगा रहे, तो ₹20 लग रहे हैं। अगर हम पूरे एरिया में लगाएंगे तो क्या होगा, पूरे एरिया को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ₹20 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल अमाउंट। तो हमारा क्या आ गया, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 75 मीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 40 मीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज लेंथ इनटू ब्रेथ। तो रेक्टेंगुलर पार्क है, तो रेक्टेंगल का क्या आ गया, एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 75 मल्टीप्लाई 40, तो कितना आ गया, 3000 मीटर स्क्वायर। तो मैंने मीटर स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि ये भी क्या था, मीटर में था, 75 मल्टीप्लाई 40 भी क्या था, मीटर में था। तो दोनों अगर मैंने बोला बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो पावर्स क्या हो जाती है, एडअप। इसकी भी पावर 1 थी, इसकी भी 1 थी, तो ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो आपने ये यूनिट्स का भी ध्यान रखना है। अगर आप यूनिट्स नहीं लगाओगे यहाँ पे अगर आप 3000 ओनली लिख दोगे, तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे फाइनल एग्जाम्स में। तो आपने प्रॉपरली यहाँ पे यूनिट भी मैंशन करना है। तो नेक्स्ट आ गया कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन पर यूनिट एरिया। तो पर यूनिट एरिया में ग्रास कितने रुपीज की लग रही है, ₹20 की लग रही है। तो कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन 3000 मीटर स्क्वायर, तो 3000 मीटर में कितनी लगेगी, कितनी जो हमारे जो लगेंगे पैसे, तो यहाँ पे कितना गया, मल्टीप्लाई करके कितना गया, ₹60,000 हमारे लगेंगे। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें है, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर द लेंथ ऑफ हूज डायगोनल इज 25 सेंटीमीटर। अब हमने स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है, पर हमें उसकी लेंथ नहीं दी हुई, पर हमें क्या दी हुई है, उसकी उसकी साइड के बारे में हमें कुछ नहीं बताया, बट हमें उसका डायगोनल गिवन है। डायगोनल मींस डी की वैल्यू गिवन है, वो क्या है, 25 सेंटीमीटर। तो हमने पहले लिख दिया लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 25 सेंटीमीटर, तो एरिया स्क्वायर क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ डी स्क्वायर। तो डी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 25 का स्क्वायर, 25 को 25 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 625 सेंटीमीटर अपॉन 2, इसे डिवाइड कर दे तो कितना आ गया, क्योंकि हमें एरिया गिवन था, ठीक, तो ये भी क्या था, 25 था ना, तो ये भी अगर इसके साथ मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या आ गया, सॉरी सेंटीमीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, 312.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थर्ड क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर फील्ड एट
14 पर मीटर इज 28,000, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। हमें बोला गया, एक तो हमें पता चल गया कि फील्ड क्या है, स्क्वायर शेप की है, तो उन्होंने बोला है कि उसे फेंस करने के लिए जो अमाउंट है 4 रुपीज पर मीटर है, ठीक है ना। जो उसके मतलब फेंस करने के लिए जो उसकी अमाउंट है वो 14 रुपीज पर मीटर है, तो उसे पूरा हमने फेंस कर दिया, तो हमें पता है कि उसकी टोटल अमाउंट हमें गिवन है कि हमने उससे पूरे एरिया को हमने फेंस कर दिया है, तो उसकी टोटल अमाउंट आगी 28,000, तो हमने उसका एरिया फाइंड करना है। तो जैसे मैंने फर्स्ट सम में क्या किया था, हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, जो अमाउंट थी उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ गई थी। अब हमें ये अमाउंट पता है बट हमें एरिया नहीं पता, तो हम कैसे निकाल सकते। अगर अगर मेरे को ये नहीं पता होता 3000, इसकी जगह मैं एक्स पुट कर दूं, तो ये क्या हो जाता, 20/60 चल जाता 60,000 के, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाती है ना। अगर मेरे पास ये 20 होता और मुझे नहीं पता कि एरिया कितना है, मैंने लेट कर लिया कि एरिया एक्स है, मेरे पास अमाउंट भी गिवन है कितनी 60,000 है यही वाली, तो मैं एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करती, मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाता, डिवाइड में हो जाता 60,000/20, तो ये कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3000, तो ये भी तो एक्स की वैल्यू 3000 है। तो ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन में भी हमें यही चीज गिवन है, तो मैंने क्या किया, थर्ड क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ फेंसिंग स्क्वायर फील्ड इज दिस, हमें कॉस्ट दी, हमने फाइंड कर लिया कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इज, तो मैंने इजीली डिवाइड कर दिया बस उसे, ठीक है। जैसे मैंने इससे डिवाइड किया था ना एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो मैंने वैसे डिवाइड कर दिया। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4a, स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला 4a होता है, तो हमें पेरीमीटर अभी निकाला भी है, तो मैंने दोनों को इक्वल में रख दिया। अब यहां से a की वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी 500 मीटर, ओके। अब उसके बाद एरिया हम फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर इज a मल्टीप्लाई a, तो मैंने दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 2,50,000 मीटर स्क्वायर, क्या आ गया उसका एरिया आ गया। अब फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन इज द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 3:2 इफ द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 250 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ रेपिंग द फील्ड एट ₹15/50m². यहाँ पे उन्होंने क्या दिया, हमें लेंथ भी गिवन है, उसकी ब्रेथ भी गिवन है रेक्टेंगुलर जो फील्ड की, हमें क्या करना है, फाइंड क्या करना है इसका, बट हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ किस में गिवन है, रेशियो में गिवन है। तो हम इसे पहले सिंपली पहले सॉल्व कर लेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे, हमने लेट कर लिया, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3x, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 2x, तो पेरीमीटर क्या होता है 2 × L+B, तो पेरीमीटर भी हमें गिवन है 250, तो पेरीमीटर की जगह मैंने 250 और इसके साथ फॉर्मूला लगा दिया, तो इसमें वैल्यूज पुट कर दी, मैंने वैल्यूज पुट करके मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली कि 25 जो मीटर क्या है इसका, इसका क्या आ गया एक्स की वैल्यू आ गई। तो अब हम लेंथ भी फाइंड कर ली मैंने मल्टीप्लाई करके और ब्रेथ भी फाइंड कर ली। उसके बाद एरिया कैसे मैं फाइंड करूंगी, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मल्टीप्लाई करके मैंने एल और बी की वैल्यू पुट करके ये मेरा एरिया आ गया। उसके बाद उसने बोला था कॉस्ट ऑफ रिपिंग द फील्ड एट 15 रुपीज पर 50 मीटर स्क्वायर, जो मैंने आपको समझाया था वहां पे था पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर का स्क्वायर का मतलब था कि उसकी लेंथ भी वन है और ब्रेथ भी वन है, बट यहाँ पे क्या दिया है पर 50 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा उसका जो एरिया है, जो 50 मीटर स्क्वायर का एरिया है वो रिपिंग करने की अमाउंट 15 है, तो पूरा करने की अमाउंट कितनी होगी। तो हमने वही किया, हमने 15 मल्टीप्लाई जो एरिया उसे तो मल्टीप्लाई किया, बट हमने 150 से डिवाइड कर देना, तो सॉल्व करके हमारे पास ये हमारा आंसर आया। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, अ रूम इज 10 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 5 मीटर हाई, इट हैज 1 डोर ऑफ dimensions 2 meter by 1.5 meter एंड 2 windows ईच ऑफ dimensions 1 meter by 1 meter, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स एट ₹20/m².
कोई भी रूम है उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है, और हमें बोला गया कि उस रूम में एक डोर है जिसकी लेंथ क्या है 2 मीटर और ब्रेथ क्या है उसकी 1.5 मीटर है, और 2 विंडोज़ है वहाँ पे, उस रूम में 2 विंडोज़ हैं जिसकी लेंथ और ब्रेथ क्या है 1 मीटर एंड 1 मीटर, ठीक है। तो हमने उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है, अगर हमने उस रूम में वाइट वॉश करवाना है, कुछ पेंट या कुछ वाइट वॉश करवाना है, तो उसकी अमाउंट क्या आएगी। अगर एक स्क्वायर मीटर में अगर 20 रुपीज़ आ रही है उसकी अमाउंट, तो पूरे रूम में वाइट वॉश करवाने की कितना हमारा हमारी कॉस्ट आएगी। तो हम क्या करेंगे, रूम का पहले एरिया निकालेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ रूम हमने निकाल लिया, वही फॉर्मूला पुट करके 2 × 12 + b × h, तो मैंने फॉर्मूला पुट करके रूम की जो वैल्यू आ गई 160 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, रूम का एरिया आ गया। अब पूरे रूम में वाइट वॉश करवाना है, बट रूम में क्या आ रहा है, ठीक है, ये जैसे मेरा रूम है तो इस रूम में यहाँ पे क्या आ रहा है, डोर आ रहा है, इस साइड विंडो आ रही है और पीछे वाली साइड विंडो आ रही है, तो विंडो को और डोर के एरिया को माइनस करना पड़ेगा बीच में से। तो एरिया ऑफ डोर क्या आ गया, एल इंटू बी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि लेंथ और ब्रेथ उसकी गिवन थी, तो 3 मीटर स्क्वायर आ गया। एरिया ऑफ टू विंडोज, एक विंडो की वैल्यू क्या है 1 × 1, तो उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 × 1 = 1 आ गया, तो 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 2 मीटर स्क्वायर। तो विंडो और डोर के एरिया को मैंने प्लस कर दिया, कितना आ गया 5 मीटर स्क्वायर। मतलब इस टोटल रूम में से अगर मैं 2 विंडोज और डोर को मैं निकाल दूंगी बाहर, तो मुझे पता चल जाएगा कि रूम में वाइट वॉश करने के कितने एरिया आ गया, क्योंकि हमने विंडो और डोर में थोड़ी वाइट वॉश करवाना है, वो तो हमने वॉल्स पे करवाना है वाइट वॉश। तो मैंने उसके डोर और विंडो की जो एरिया है मैंने उसको पूरे रूम में से माइनस कर दिया, तो वाइट वॉशिंग द वॉल्स, तो मैंने वॉल्स को वाइट वॉश करवाना है, तो मैंने पूरे रूम के एरिया में से विंडो और डोर को माइनस कर दिया, 160 में से 5 मीटर स्क्वायर जब किया है माइनस हो गया, तो कितना रह गया 155 मीटर। तो कॉस्ट क्या है, 20 रुपीज है 1 मीटर की, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 20 रुपीज, तो 155 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या होगी, 3100 रुपीज। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। आप ये 5 क्वेश्चन अच्छी तरह से घर पे समझ के लिखने हैं आपने कॉपी पे। आई होप कि आप जो अपनी नोटबुक्स हैं मैथ्स की वो भी साथ के साथ ही कंप्लीट कर रहे हैं। इसके जो बाकी सम्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।